मुझे रिकॉर्डिंग के लिए कोई स्पॉट नहीं मिलता था। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, जो बड़े कॉमिक्स हैं जिनका ऑडियंस आ रहा है वो तो मुझे जानते ही नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। क्या आप जानते हैं कि मुनर फाकी ने जब अपना फर्स्ट स्टेज शो किया था, उनको इस स्टेज शो में कितने लोग देखने आए थे, आप सुनकर चौंक जाएंगे। एंड उन्हें इस फर्स्ट स्टेज शो को करने के कितने रुपए मिले थे, इसे भी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। फिलहाल तो मुनर फाकी इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि उन्हें 5 से 10 सेकंड के ऐड करने के लाखों रुपए मिलते हैं। तो आप वह वीडियो का क्लिप देखिए जिसमें उन्होंने अपने फर्स्ट स्टेज शो को लेकर उन्हें कितने लोग देखने आए थे और उन्हें इस स्टेज शो के कितने रुपए मिले थे, यह सभी चीज उन्होंने इस वीडियो में बताया। तो आप देखिए उस वीडियो को। नाउ आई टेल यू, मुझे रिकॉर्डिंग के लिए कोई स्पॉट नहीं मिलता था। मतलब मैं बोल रहा हूं ना, जो बड़े कॉमिक्स हैं जिनका ऑडियंस आ रहा है वो तो मुझे जानते ही नहीं। अब मैं बोलूँ किसको कि मुझे रिकॉर्ड कराना है, ठीक है। एंड कुछ ऐसे शोज होते थे कि हाँ ये लोग रिकॉर्ड कराते, मैं उनको पूछते रहता था कि मेरे को रिकॉर्ड कराना है, मेरे को रिकॉर्ड कराना है, तो कुछ बोलते यू आर नॉट रेडी फॉर इट, टेक योर टाइम। उनको लगता था कि ये तो नया नया है, ये क्यों रिकॉर्ड कराना है। तो मैंने बोला मुझे कराना है, मेरे पास एक घंटे का मटेरियल है। तो बोले ये कुछ ऐसे नहीं होता है, एक घंटे का मटेरियल ऐसे थोड़ी बन जाता है। तो अब इसमें आर्ग्यूमेंट तो कर नहीं सकते कि वो मना ही कर रहा था। देखो कि ठीक है, देयर वाज अ मैजिक शो एट अबाउट द हैबिटेट, ओके, मैजिक शो था। करण चौहान ओपन माइक्स में, करण चौहान यूज्ड टू मीट, तो वो जानता भी था एंड ही इज अ गुजराती, तो हम लोग का बहुत बॉन्ड मस्त बनता था। हम लोग खाने वाने ढोकला ओकला ये वो जाते थे शो के बाद ये वो, और कभी एक साथ एक दो बार शोज पे किया है, ट्रायल शोज मैंने रखे थे। इंस्टाग्राम से ही टिकट्स बेचे थे कि जो लोग मुझे ओपन माइक्स में देखने आते थे और मुझे मैसेज करते थे कि आज मैंने तुझे देखा तो अच्छा लगा, तो मैं उन्हें एक लिस्ट बनाता था कि हे मैं कभी एक घंटा सब साथ में करूँगा तो आप देखना होगे क्या। तो इस तरह मैंने नई नई तो कुछ 150-200 लोगों का लिस्ट बनाया था कि जिन्होंने मुझे मैसेज किया मेरी कॉमेडी देख के। तो जब मैंने ऑगस्ट एक साल जब कॉमेडी को कम्प्लीट हुआ स्टार्ट करके, सेम 1 सितंबर को मैंने पहला ट्रायल शो रखा। जब मुझे 367 डेज कॉमेडी को हुए स्टेज पे चढ़े, मैंने फर्स्ट ट्रायल शो रखा था 1 सितंबर को, उसमें आई सोल्ड 35 टिकट्स। और वो वही लोग थे जो मुझे एक साल में कहीं ना कहीं देखे हुए। वो 150 लोगों को मैंने वो टिकट लिंक दिया था जिसमें से 35 लोग ने वो टिकट खरीदे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने स्टेज पे 90 मिनट्स जितना मटेरियल किया। जब शुरू किया ना तो ये सब मतलब वो आदत रहती है, हमेशा से ऐसा लगता था कि हार बर्दाश्त नहीं होती थी। हारता था बहुत बार, बट हार बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐसा कि जो चीज़ में बेस्ट हो उसमें तो बेस्ट हो, तो कभी हमेशा ऑलवेज यही सोचता था कि अरे अपन तो ऊपर ही चढ़ रहे। मतलब फेलियर कभी फील नहीं हुआ क्योंकि बहुत जल्दी करियर का ग्राफ एकदम ऊपर जा रहा था ना, तो उसमें कभी वो फील नहीं हुआ कि बहुत नया नया शुरू किया था ये वो, एंड कहीं वही सेट किल हो जाता था, कहीं वो नहीं हो जाता था। फिर मेरे को स्पॉट कहीं जल्दी मिलते नहीं थे, तो फिर पता था एक मीरा रोड पे एक ओपन माइक हो रहा है, वहाँ पे वो लोग जीतने पे 500 रुपया देते। रियली? कौन? राहुल राजवाला? हाँ, राहुल राजवाला, फीस्ट ऑफ फीस्ट। मैं बता दूं पूरी स्टोरी, तुम्हें याद आ जाएगा। तब तो मुझे बोले यार रोज का 200 रुपया जा रहा है ओपन माइक में, ये पहली ऐसी जगह है जहाँ पे 500 रुपया जीतने पे मिल रहा है। तो मैंने रजिस्टर्ड किया कैसे कैसे, और सैटरडे का शाम का शो था, तो मैं कैसे हाफ डे लेकर पहुँचा वहाँ पे। और फिर वहाँ पे मैंने कुछ और किया, मतलब लाइक तारक मेहता का था, एक क्राइम पेट्रोल पे जोक थे, वो मैंने किया और मैं 500 रुपया जीत गया। और मैं तुम्हारे को याद दिला वो होस्ट कौन था? ओह फक, नाउ आई रिमेंबर। This is in a cafe with glass. glass लगे हुए थे। अरे वो पिज़्ज़ा कैफे था। हाँ, पिज़्ज़ा कैफे था। और मैं हीरो बन रहा था वहाँ पे, कुछ भी बोल के मीरा रोड में, वो वाला। हाँ, exactly. उसमें 500 रुपए मिला तेरे को? 500? तुम ही कवर दिए हो, फेसबुक पे अभी भी फोटो है। ऐसे ही कवर दे रहे मेरे को और साथ में फोटो क्लिक किया है, और मैंने फेसबुक पे अपलोड किया था क्योंकि मेरे को कॉमेडी स्टार्ट करके 1 महीना हुआ है। हाँ। और मैंने कुछ जीत लिया। तो मुझे तो ऐसे लगे ना कि मैं सबसे बेहतर हूँ। sure, पता नहीं है कॉमेडी सीन कैसे चल रहा है, बट 1 महीने में जितना पता चला था उसमें लगा वो मैं तो सबसे बेहतर हूँ, जीत गया क्योंकि मैं जीत गया। तो आपको यह स्टोरी सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एंड अगर आप मुनर फाकी के फैन हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि मुनर फाकी के इस स्टोरी को सभी कोई जान पाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।